अभी उसका बैकग्राउंड भैया ने भी रखा, तो एक पार्ट एक्टिविटी का है और एक प्रोजेक्ट का है। तो जो यहाँ पे अभी रखने वाले हैं वो प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो देश भर में जैसा कि भैया ने बताया कि करीब 50,000 नंबर्स में ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एफडीपी मतलब कर लिया, इंट्रोडक्टरी एफडीपी। तो एक हर कोई कॉलेज में एक या दो फैकल्टीज, रीजन में बहुत सारे फैकल्टीज, स्टेट में बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं तो जो इस वर्कशॉप से गो थ्रू हो चुके हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। अब आगे आके जो आइडिया बन रहा था, वो आइडिया ये बन रहा था कि अब जो देश भर में ये वैल्यू एजुकेशन का एनवायरनमेंट बन रहा है, वो एनवायरनमेंट में कॉलेज जो आगे आकर अपने आप को ग्लोबल सेंटर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे डेवलप कर पाए, और वो अपने आप को नोडल सेंटर के तौर पर डेवलप कर पाए इसलिए वहाँ के फैकल्टीज के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए सेल्फ फंडेड बेसिस पर एफडीपीज को ऑर्गेनाइज किया जा सके रीजन वाइज, स्टेट वाइज, ताकि जो ये वैल्यू एजुकेशन का एनवायरनमेंट बन रहा है इसमें इंस्टीट्यूशंस नोडल सेंटर के तौर पर डेवलप हों और उस पूरे स्टेट, उस पूरे एरिया और रीजन की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए सिग्निफिकेंटली। तो जब एक इंस्टीट्यूट डेवलप होता है तो और भी जो पोटेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रहे हैं, हॉलिस्टिक वैल्यू बेस्ड लिविंग को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा सस्टेन कर पा रहे हैं, तो वो मॉडल के तौर पर बन पाए उस पूरे आइडिया को, उस पूरे हॉलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को करने के लिए क्या प्रोसेस इवॉल्व किया जाए। तो जो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को बनाने की बात है कि जो ये इंस्टीट्यूट नोडल सेंटर के तौर पर डेवलप होंगे और वहाँ पर जो ये सेल्फ फंडेड बेसिस पर एफडीपी होगी, तो वो एफडीपी किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाए, वो पूरा प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म कैसे डेवलप हो, तो उस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को बनाया गया है, जिससे कोई भी फैकल्टी किसी भी इंस्टीट्यूट का जिसने एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया हुआ हो और वो चाहता है कि उसको आइडिया अच्छा लगा तो ये चाहता है कि हमारे कॉलेज में 200 फैकल्टीज हैं, कुछ मैनेजमेंट का भी मन है, प्रिंसिपल का भी मन है, तो मैं अपने कॉलेज में करना चाहता हूँ, तो उसको पता हो कि मुझे कैसे करना है, तो उसको किसी वॉलंटियर से बात करनी है या कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में उसको ये सारी बातें पता चल जाए कि मुझे अगर अपने कॉलेज में सेल्फ फंडेड बेसिस पर ह्यूमन वैल्यूज का कोई वर्कशॉप करवाना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं। अभी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो कई बार कहते हैं कि हमें अपने कॉलेज में करवा रहे हैं तो भैया किस तरीके से कराएं, भैया को फोन आता है या कई लोगों को फोन आता है, तो वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर करने की कोशिश की है। और जिससे खुद भी, क्योंकि ये नया आइडिया है तो जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट की भी एनरिचमेंट होगी। तो इस कड़ी में दो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, एक बनाने की कोशिश की गई है या यूं कहें उसका पहला ड्राफ्ट यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और इसको बनाते हुए जितेंद्र भैया की गाइडेंस में मैं, हम लोग 8 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस डॉक्यूमेंट को करीब 2 महीने में बनाने की कोशिश की है। इसमें 8 से 10 मीटिंग्स लगाई गई हैं। वीकली हम लोग एक मीटिंग करते थे और उस मीटिंग के बाद टास्क लेते थे और फिर सब लोग उस वीक में उन टास्क को कंप्लीट करते थे और अगली मीटिंग में मिलते थे जो काम कंप्लीट किया है उसको बताने के लिए और फिर अगले टास्क को आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन से मैं, चरणजीत भैया, पीयूष भैया थे और वेस्टर्न रीजन से महेश भैया थे, यशवंत पाटिल भैया थे और नॉर्दर्न रीजन से एक तो एन के शर्मा भैया थे और एक गणेश गौरव मिश्रा भैया थे। तो और ऑब्जेक्टिव ये था कि आने वाले दिनों में और भी रीजन्स के जो फैकल्टीज हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जो आइडिया है वो पैन इंडिया लेवल पर ही है ताकि हर रीजन के लिए वो हो पाए। तो करीब 2 महीने का समय, 8 लोगों की मेहनत और भैया की गाइडेंस में, और इसमें अगर देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब बनाने गए तो ये भी ध्यान में है कि बहुत सारा काम तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, सिर्फ उसको फेस टू फेस बेसिस में, सेल्फ फंडेड बेसिस में कुछ ऑर्गेनाइज करने की बात है और कुछ नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की बात है। तो काफ़ी सारा पोर्शन था तो वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो 2 पार्ट बनाए गए इसके डॉक्यूमेंट को। तो एक पार्ट ये था जो उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में ये एफडीपी होना है वहाँ के एलपीसी के अकॉर्डिंगली है, वहाँ के वॉलंटियर के अकॉर्डिंगली। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि जब किसी होस्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट आएगी कि हम अपने कॉलेज में सेल्फ फंडेड बेसिस पर एफडीपी कराना चाहते हैं, तो यूएचबी टीम की या एनसीसीआईपी की टीम की इंटरनल वर्किंग क्या होगी, उसको एक्सप्लोर करने की, उसको समझने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें
होंगी। और उस पूरे प्रोसेस को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जिस तरीके का अभी का एक्सपीरियंस है तो चीज़ें हो तो रही हैं, अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, फिर फेस टू फेस वर्कशॉप भी हुए थे, तो चीज़ें एडहॉक बेसिस पर चल रही हैं। और अगर वो प्रोसेस की फॉर्म में आ जाएंगी तो कोई वॉलंटियर इस प्रोसेस के बाद अलग भी चला जाता है तो क्योंकि वो प्रोसेस बना हुआ है तो उसका जो हैंडओवर है वो ईजी हो पाएगा वो, और तो एनबिच भी हो पाएगा। तो ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जो ये प्रपोज है कि ये AICTE की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जब भी जो आइडिया है वो इस तरीके से है कि AICTE जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो उन सभी इंस्टीट्यूशंस को एक प्रपोजल या इनविटेशन लेटर भेजेगी कि आप में से जो भी कॉलेज अपने यहाँ पर सेल्फ फंडेड बेसिस पर FTP करवाना चाहते हैं तो वो आगे आकर अपना इंटरेस्ट बताएं। तो ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है उस इन्विटेशन मेल के साथ भी जाएगा। तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखें तो इसके बेसिकली चार पार्ट हैं। और पहले पार्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो किस तरीके से रिलेटेड है, क्या उसमें आर्टिकुलेट किया गया है, और जो ये वैल्यू एजुकेशन है या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है इसे हम किस तरीके से उस मिशन को उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आर्टिकुलेट किया है उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो कैसे जो एंड यूजर है जो एक स्टूडेंट है कैसे उसको बेनिफिट होगा उसका सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या और भी सारी चीज़ें, तो वो आर्टिकुलेशन पहले पॉइंट में की गई। तो कोई भी वॉलंटियर जब अपने डायरेक्टर या अपने सीनियर्स के पास जाता है तो वो उसको रिलेट करके बता पाए कि ये उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरे नंबर पे AICTE ने अभी तक क्या एफर्ट्स किए हैं, तो 2017 के बाद से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किए गए हैं, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम है, UHE-1 है, SIP की बात है। तो AICTE के जितने एफर्ट्स हैं वो इस दूसरे पॉइंट में रखने की बात की गई है और उनको रखा गया है ताकि ये हम अपने कॉलेज लेवल पर इंस्टीट्यूट लेवल पर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और AICTE ने अभी तक उसमें क्या किया है अभी तक, तो कैसे टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम हुए, SIP हुआ, वो सारी बात है। जी, और ये तीसरे पॉइंट में इस ऑब्जेक्टिव को रखने की कोशिश की गई है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो अभी बात हुई कि इंस्टीट्यूट नोडल सेंटर के तौर पर डेवलप हो पाए, उसमें खुद आगे लीड ले पाए, उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर रखने की बात की गई है। और यहाँ पर साथ में रेफरेंस के तौर पर नोडल सेंटर का क्या एक विजन है उस डॉक्यूमेंट को भी साथ में रखा गया है। इसके साथ अब जो थोड़ा सा नीचे करेंगे जी, तो जो ये फोर्थ पार्ट है इस पे है ना ठीक से थोड़ा ज्यादा काम हो पाया है, जो ऊपर के तीनों पार्ट्स हैं उसमें मोटा मोटा काफी काम पहले हुआ है। तो इसमें ये है कि सेल्फ फंडेड जो FDPs हैं, अब सेल्फ फंडेड में देखें तो सेल्फ फंडेड का मतलब ये है कि जो रिसोर्स पर्सन है, जैसे भैया ने कहा था कि AICTE क्या करेगी, एक तो इनविटेशन भेजेगी और उसके बाद जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और एक रिसोर्स पर्सन की टीम प्रोवाइड करेगी। ये काम है AICTE का, इसको अगर ध्यान में रखें। और अगर इंस्टीट्यूट के लेवल पर देखें तो इंस्टीट्यूट जो भी रिसोर्स पर्सन की टीम होगी तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस वो प्रोवाइड करेगी, ऐसा से आशय बना रहे। और जो फैकल्टीज हैं उनके लंच का और वो सारी चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट्स में, इसकी गाइडलाइंस में दी गई हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हम सेल्फ फंडेड कह रहे हैं। तो इस फोर्थ डॉक्यूमेंट को देखें तो इसमें पूरे फ्लो डायग्राम की बात की गई है। भैया इसको नीचे लगकर फोर्थ डॉक्यूमेंट को और थोड़ा डिटेल आउट कर सकते हैं नीचे। हाँ लिखा नीचे वो उस डॉक्यूमेंट पे आएंगे और नीचे एजेंट से कर लेते हैं जी, और नीचे नीचे काफी नीचे है वो, हाँ थोड़ा ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर ही है। तो उसमें 7 स्टेप्स रखे गए हैं कि किस तरीके से जो हाँ थोड़ा सा ऊपर जी, हाँ बस ये यहाँ तो थोड़ा सा भी नीचे जाइए थोड़ा सा तो 7 स्टेप्स रखे गए हैं कि किस तरीके से एक जो लोकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, भैया इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट पे आना था,
एक लाइन में जोड़ देता हूँ, वो जो एक होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक बेस डॉक्यूमेंट है उसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाया है, और 150 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो दलीप जी ने, राजू भैया ने, कुमार भैया ने और उन्होंने सीनियर मेंटर्स ने मिलकर डेवलप किया था। तो जो विजन आर्टिकुलेशन है वो दर है कि आशय ये है कि जब भी कोई डायरेक्टर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है कम से कम वो 5-7 पेज तो पढ़ ले कि उसका इंटरेस्ट बन जाए और वो बड़े डॉक्यूमेंट को भी रेफर करने का मन बने तो उसको कर सके। तो जो एनईपी की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का विजन है, वो वहाँ से कॉपी करके इसमें रखा हुआ कि इतनी बातों को तो कम से कम वो 5-7 पेज में एसेंस के रूप में पढ़ लें। तो ये जो प्रोसीजर है कि अब ये डॉक्यूमेंट उनके साथ मेल में गया है तो उनको ये भी पता हो कि किस तरीके से हम इस एफडीपी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर वो जैसा भैया ने बताया उस सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए उनका मन बन रहा है, डिसाइड कर पा रहे हैं वो, तो वो सबसे पहले एफडीपी के लिए अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए 2 रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इसका सैंपल रिक्वेस्ट लेटर या यूँ कहें कि हम जो अप्लाई है तो एप्लीकेशन लेटर है, वो इसके साथ एनेक्शन में एंड में ऐड किया गया है। और वो बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जब कॉलेजेस से रिक्वेस्ट आए तो वो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में हो, और जो डेटा हम उनसे मंगाना चाहते हैं तो वो डेटा एक गूगल फॉर्म के थ्रू मंगा लें ताकि उसकी एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और डेटा में क्या मंगाना चाहते हैं कि उनका अपना होलिस्टिक क्या विज़न है, तो SIP उनके इंस्टीट्यूट में लागू है या नहीं है, UHV-1 लागू है कि नहीं है, 2 लागू है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे गूगल फॉर्म के थ्रू मंगा रहे हैं। और अगर देखें तो पहले स्टेप पे वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल या डिसअप्रूवल हो रहा है, तो NCCIP के पास आता है इनविटेशन, है ना, कि हम अपने कॉलेज में करना चाहते हैं, तो उसकी 2 कंडीशंस हैं, या तो वो अप्रूव होगी या वो डिसअप्रूव होगी। अप्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए उसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर और जो उस रीजन के रीजनल ऑफिसर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, ताकि उनके साथ ये डिस्कस किया जा सके कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये अपने आप पर कुछ एफर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि जो उस रीजन में उस कॉलेज में ये FDP जो है वो करना है हमें या अभी नहीं करना है। और अगर वो अप्रूव होता है, पहली बात तो, अगर वो डिसअप्रूव होता है तो उसके साथ उनको एक कारण भी बताना कि किस वजह से डिसअप्रूव हुआ है, ताकि वो उसको आगे अगली बार के लिए और उसमें वैल्यू ऐड करके दोबारा अप्लाई करना चाहे तो उनको पता हो कि हमें किस एरिया पे काम करना है जिस वजह से हमारी जो FDP है वो डिसअप्रूव हुई है। अगर अप्रूव हुई है तो उसके बाद जो लोकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो LPC की गाइडलाइंस के बेसिस पर FDP की प्रेपरेशन करेंगे और FDP को कंडक्ट किया जाएगा। कंडक्ट करने के बाद AICT को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और AICT की तरफ से एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और होस्ट इंस्टीट्यूशन को आगे क्या फॉलोअप एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए कम्युनिकेट किया जाए। तो ये जो 7 स्टेप्स का प्रोसेस है, इसको अगर देखें तो ये उस वॉलंटियर या उस होस्ट इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो आगे आकर अपने कॉलेज में सेल्फ फंडेड बेसिस पर FDP करना चाहते। तो इसके साथ एनेक्सर में बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ स्टेप्स की डिटेल आउट है इसके साथ में आगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर नीचे आ सकते हैं भैया, इसमें इसके साथ ही इसमें LPC की गाइडलाइंस भी हैं और नीचे आ सकते हैं। तो 3-4 तरह के FDPs हैं जो अभी सोचे गए हैं और ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। तो एक तो एक जनता लीडरशिप प्रोग्राम है वाइस चांसलर के लिए, और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट के लेवल पर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए, उसके बाद इंट्रोडक्टरी हमारा जो वर्कशॉप है वो है, और UHV-2 है। तो ये 4 लेवल के वर्कशॉप हैं जो अभी किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे और इंटरेस्ट आएंगे तो उन FDPs को जो है उनमें और तरह के जो FDPs हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और ये गाइडलाइंस है बिफोर अप्लाइंग फॉर होस्टिंग द FDP, और बिफोर से पर्पस ये है कि इंस्टीट्यूट ये देख रहे हैं कि एलिजिबल भी है उस FDP को करवाने के लिए कि नहीं। तो हमारा अपनी मैनेजमेंट का, हमारे अपने डिसीजन मेकर्स का कुछ होलिस्टिक विजन है या नहीं है, तो उस बात को बिफोर अप्लाइंग द होस्टिंग FDP एक LPC जब इस पूरी गाइडलाइन को पढ़ेगा तो उसको ये ध्यान में आएंगी चीज़ें कि एक्चुअल में हमारे कॉलेज में ये करवाने वाली चीज़ है अभी या हमें अभी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। उसके साथ आगे और सारी चीज़ें हैं जी। फूड को लेकर एक बात की गई है, क्योंकि नॉर्मली जो पहले फेस टू फेस FDPs होते थे तो उसमें जो फूड था वो में हुआ करता था, लेकिन ये सेल्फ फंडेड बेसिस पर है तो क्योंकि ज्यादा इसको ऐसे सोचा गया है कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ये है
कि खर्चा जो है वो ऐसा हो जो मिनिमम हो, जिसको कॉलेज बियर भी कर सके, है ना, और वो आने वाले दिनों में और मन बना सके कि हमने एक एफडीपी करवाया है तो आगे और भी करवाए, तो फाइनेंशियल बर्डन भी किसी तरीके से बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो जो लंच है, लंच का प्रोविज़न रखा गया है, लेकिन उसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर फैकल्टीज अपने यहाँ से लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। तो ये लोकल प्रोग्राम की गाइडलाइंस हैं कोऑर्डिनेटर्स की, तो प्री और पोस्ट और ड्यूरिंग वर्कशॉप की कुछ गाइडलाइंस हैं। ये एलपीसी गाइडलाइन का जो डॉक्यूमेंट पहले ही बना हुआ था उसको ही यहाँ पर रखा गया है, कुछ उसमें चीज़ें हैं जो सेल्फ फंडेड के बेसिस से कम ज़्यादा की गई हैं। ये एक तरह का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है कि अगर 3 दिन का एफपीपी करवाना है तो कुछ हम एक ऐसा थ्रेशहोल्ड बनाना चाहते हैं ताकि जो आरपी की टीम जा रही है, जो पूरा इतना एनवायरमेंट बन रहा है, उसका एक थ्रेशहोल्ड हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, एक पार्टिसिपेट कर सकें उसको और पूरी बात को सुन सकें। तो ये 3, 5 और 8 दिन के वर्कशॉप का एक आइडिया रखा गया है। और जी, एकोमोडेशन को लेकर और ये बहुत सारी बातें हैं जो एलपीसी के गाइडलाइंस में हैं, इसको हम देख सकते हैं। अभी दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे लगता है एक बार दिखा सकते हैं, है ना, ये दूसरा डॉक्यूमेंट रखिएगा, इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, कोई भी वॉलंटियर, कोई भी फैकल्टी इसको देख सकते हैं एक बार। और दूसरी जो इन्विटेशन ईमेल AICTE की तरफ से सभी कॉलेजेस को जाएगा, ठीक, एक इन्विटेशन के तौर पर कि ये एक प्रपोजल है, अगर आप चाहते हैं इसको तो करना, तो उस ईमेल के साथ भी वो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के तौर पर जाएगा ताकि वो देख सकें कि हम अपने कॉलेज में भी इसको करवाना चाह रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इससे क्या हमारा जो आउटकम के तौर पर हमें है मिलेगा। और अगर इसको देखें, इस पर थोड़ी वर्किंग ज़्यादा हुई है, इस पर टीम ने थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा की है, और इसको नीचे कर सकते हैं। इसमें मैं एक टेबल और एक फ्लो डायग्राम है, उन दोनों को ही बताने का प्रयास करूँगा। तो ये एक टीम का एफर्ट है, जैसा बात हुई तो आफ्टरनून सेशन में कि मेंटर, लीड वॉलंटियर और वॉलंटियर्स टीम की, तो इसके साथ ये टीम बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ क्योंकि ये देश भर में काम होना है तो हर एक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर और वहाँ से एटलीस्ट एक वॉलंटियर, ऐसा भी सोचा गया है ताकि उस रीजन में जब वो वर्कशॉप होगा तो उस रीजन का वॉलंटियर हो तो वो ज़्यादा बेहतर से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, करवाने में हेल्प कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो उस एक वॉलंटियर का उस पर्टिकुलर रीजन से होना ज़रूरी है, ऐसा भी ध्यान में आता है। एक अनिल भैया अभी यहाँ पे टीम की बात कर रहे थे, तो अनिल भैया की टीम से यहाँ पर भी एक वॉलंटियर की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सारा जो प्रोसेस होगा तो इसका एक डैशबोर्ड बनेगा, इसके बहुत सारे डेटाबेस को मैनेज करना होगा उसके लिए। तो ये एक अभी टीम की जो एक्सपेंशन है उसकी बात है यहाँ पर, और सीनियर मेंबर्स के साथ कुछ मीटिंग्स एक्सपेक्टेड है ताकि चीज़ों को फाइनल टच दिया जा सके, इनपुट लिए जा सके। तो ये जो बेसिकली डायग्राम है, ये टेबल है जो, तो ये एक्टिविटी फ्लो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को लेकर हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। तो एक्सटर्नल जो वो डॉक्यूमेंट है उसको हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के तौर पर रेफर कर रहे हैं, जो पहले बनाया था, जो पहले देखा हम लोगों ने, और जो ये डॉक्यूमेंट है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट के तौर पर हम इसको रेफर कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल में क्या एक्टिविटी होगी इंस्टीट्यूशन के स्तर पर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनली UHV टीम की या AICTE की क्या एक्टिविटी होगी, और उस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ये एक्टिविटी कौन करेगा, प्राइमरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। तो इस तरीके से इसको टेबल को बनाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले तो ये है कि AICTE इन्विटेशन ईमेल सेंड करेगा सभी को फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो जो लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो AICTE का लेटर, गूगल फॉर्म फॉर अप्लाइंग द FPP, गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स और EOI लेटर। तो जो ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो अभी हम लोग पहले देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें AICTE का जब लेटर जाएगा तो उसके साथ ये सारी चीजें जाएंगी, गूगल फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स उनको वो आइडिया लगे, वो बात समझ में आए उसके लिए, और लिस्ट ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि जब वो ईमेल करेंगे तो ईमेल के साथ में वो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को और ROs को CC भी करेंगे ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाए कि जो ये इंस्टीट्यूशन है वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वीनर NCCIP की रखी गई है प्राइमरी। इसके साथ फिर अगर इंस्टीट्यूट अप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, तो UHV टीम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कन्वीनर के पास जब इंटरेस्ट आता है तो कन्वीनर ने उस इंटरेस्ट के करस्पॉन्डिंग फीडबैक
आरसी से और आरओ से दोनों से फीडबैक लेना है, और फीडबैक के साथ साथ अगर वो फीडबैक अप्रूवल का आता है तो अप्रूवल के बाद एआईसीटी को अप्रूव करने के लिए रेकमेंड करना कि हमने रीजनल कोऑर्डिनेटर से आरओ से इसका अप्रूवल लिया है और उनकी तरफ से जो फीडबैक है वो संतुष्टिजनक है, तो क्या इस कॉलेज में एसपीपी करना उनकी तरफ से रिकमेंडेड है, हम करना चाहते हैं तो इसका अप्रूवल, तो अप्रूवल करना है एआईसीटी को। और इन पैरेलल जो रीजनल कोऑर्डिनेटर है वो रिसोर्स पर्सन की टीम को आइडेंटिफाई करेंगे। और तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक्नॉलेजमेंट लेटर टू होस्ट इंस्टीट्यूशन, तो होस्ट इंस्टीट्यूशन को वो एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजना कि आपका रिस्पांस आ गया है और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। ड्राफ्ट ईमेल फ्रॉम कन्वीनर टू आरसी, ड्राफ्ट ईमेल फ्रॉम कन्वीनर टू आरओ, ड्राफ्ट ईमेल फ्रॉम कन्वीनर टू एआईसीटी, और ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पूरे इंटरनल डॉक्यूमेंट के एंड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो ड्राफ्ट है वो रखा गया है, ताकि कोई भी वॉलंटियर जो काम कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मैं वॉलंटियर टू हूँ और मुझे ये काम है, तो ये डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए वो इस डॉक्यूमेंट के एंड में है, मैं वहाँ से उठा के उस काम को कर सकता हूँ, आगे जा सकते हैं। फिर अगर अप्रूवल के बाद एआईसीटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन लिंक को जनरेट करना, पोर्टल पर अपलोड करना, आरसी का जो है वो आरपी टीम का ट्रैवल प्लान और वो सारा कुछ होस्ट इंस्टीट्यूशन को भेजना विद रजिस्ट्रेशन लिंक, आरपी की टीम की डिटेल्स, तो वह सारी चीजें भेजना। और अगर किसी भी वॉलंटियर को आरपी की टीम को ड्यूटी लीव की लेटर की रिक्वायरमेंट है तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी और उसका डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट को आगे तक रखा गया है। नीचे आ सकते हैं, फिर अप्रूवल लेटर भेजना होस्ट कॉलेज को और उसमें की गाइडलाइंस होंगी। फिर उसके साथ जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो रिसोर्स पर्सन की टीम और जो वो होस्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ के डिसीजन मेकर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एलपीसीज, उनके साथ एक टीम मीटिंग रखी गई है ताकि उनको भी ये बात ध्यान में आए कि क्योंकि ये देखने में आता है कि कई बार एलपीसी के साथ तो कोऑर्डिनेट हो जाता है बट क्योंकि प्रिंसिपल या डायरेक्टर के साथ एक कॉमन टीम मीटिंग में बात नहीं हुई है तो एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग बननी होती है उस वर्कशॉप को लेकर वो वर्कशॉप से पहले नहीं बन पाती, तो वर्कशॉप के स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर पहले बन पाए तो एलपीसी भी उनसे अच्छे से डील कर पाते हैं, डायरेक्टर से जो रिक्वायरमेंट्स है यूएचवी टीम की वो पूरा करवा पाते हैं, तो उसके लिए वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा टीम की ऑब्जर्वेशन से निकल कर आया है जी। तो इस टीम मीटिंग के बाद फिर वो जो प्री वर्कशॉप सर्वे हैं और जो बाकी सारी चीज़ें हैं तो यूएचवी की टीम की तरफ से वर्कशॉप से पहले की प्लानिंग और उन सारी चीज़ों को करना और फिर यूएचवी टीम का वहाँ पर पहुँचना और सक्सेसफुली वर्कशॉप को कंक्लूड करना और उसके बाद एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। इससे भी थोड़ा सा आर्टिकुलेट करने की कोशिश की गई है, इसको अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। सभी को इन्विटेशन भेजा गया, इसमें भैया थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं एक बार, नहीं ऊपर भैया काफी नीचे आ गए, ये पेज 4 पे होगा करीब, चौथे या पांचवे पेज पर होगा जी, नीचे बस थोड़ा सा नीचे, इसी में थोड़ा सा नीचे, हाँ वो मैं नीचे सिर्फ वो बताना चाह रहा था जो कलर कोडिंग है, नीचे कीजिए कलर कोडिंग बतानी है सिर्फ, हाँ तो ये बेसिकली जो हरे कलर में है वो एआईसीटी का काम है, ऐसा ध्यान में आ रहा है, जो ब्लू कलर में है वो कन्वीनर ऑफिस का काम है, जो ये ऑरेंज कलर में है ये ऑब्जर्वर की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये वॉलंटियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऊपर जा सकते हैं। अब लास्ट में देखिए ये इशू सर्टिफिकेट एआईसीटी का काम है और स्टार्टिंग में भी देखें तो इन्विटेशन टू ऑल भी एआईसीटी का काम है, तो स्टार्टिंग भी एआईसीटी से होगी, क्लोजिंग भी एआईसीटी पे होगी और इन बिटवीन यूएचवी टीम जो है वो काम करेगी, तो एआईसीटी का वर्कशॉप है और यूएचवी टीम अगर कोऑर्डिनेशन में करेगी तो वो सारा काम स्मूथली हो पाएगा। तो रिस्पांस रिसीव किए गए, अब रिस्पांस रिसीव ब्लू कलर में तो कन्वीनर ऑफिस ने रिस्पांस रिसीव किए, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और आरसी को वो प्रपोजल वेरीफाई किया, अकेला अकेला प्रपोजल भेजा गया आरसी के पास कि एक्सप्रेशन आया है आपको कैसा लग रहा है, अगर उनका है कि ये नहीं कर सकते तो इंस्टीट्यूशन को रिप्लाई जाएगा कि ये कमी है इसको इम्प्रूव करके आगे कर सकते। फिर अगर उदाहरण के लिए कमी ये हो सकती है कि
हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी भी कॉलेज में वर्कशॉप करनी है तो कम से कम वहाँ पे जो एलकेसी प्रपोज है उसने एक वर्कशॉप किया हुआ, उसने नहीं किया हुआ और प्लेनली अप्लाई कर दिया, तो फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हरेक रिक्वेस्ट करेंगे पहले आपके दो चार फैकल्टी ऑनलाइन वर्कशॉप कर लें, उनको ये आइडिया लग जाए तो फिर हम उसको कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये ठीक इस सेंस में ठीक बात है, मतलब कहीं भी जब यहाँ पर बात हो रही है ये बात ठीक है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे भैया ने कहा कि एलपीसी ने जो भी जिसको भी एलपीसी अपॉइंट कर रहे हैं या वहाँ पर कुछ फैकल्टीज हैं जिनका एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप तो उन्होंने किया हो ताकि बेसिक जो बात कही जा रही है उसका आइडिया हो, फिर उसके बाद आरसी के पास जाएगा वही जी, तो आरसी के बाद वो जो रिस्पॉन्स है और फीडबैक है वो आरओ के पास जाएगा और आरओ से अप्रूव होने के बाद एआईसीटी के पास हो जाएगा, वही नीचे कर सकते हैं, और AICT से अगर अप्रूव होता है, नीचे कर सकते हैं, AICT से जब अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के बाद दो तीन चीजें जो है, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ AICT से जब अप्रूव हो गया तो दो तीन चीजें पैरेलल एक्टिविटीज चल रही हैं, एक तो जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वो आरपी की टीम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ट्रैवलिंग प्लान पे काम कर रहे हैं, और उसके पैरेलली जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको ये अप्रूवल जा रहा है कि आपका जो एफटीपी है वो अप्रूव हो गया है, और उसके साथ में आरपी टीम की डिटेल चली गई जो रीजनल कोऑर्डिनेटर ने आइडेंटिफाई की थी। इन द पैरेलली अगर किसी को वॉलंटियर को ड्यूटी लीव की रिक्वायरमेंट है आरपी की टीम को तो वो जा रही है, तो ये दो तीन एक्टिविटीज जो हैं वो पैरेलल हो रही हैं, और एक बार होस्ट इंस्टीट्यूशन के पास ये अप्रूवल चला जाता है उसके बाद वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मीटिंग करने की बात है, और उसके बाद मोटा मोटा जो काम है वो ऑब्जर्वर के पास आ जाता है, तो एलपीसी की जो टीम है उसमें ऑब्जर्वर आ गए, तो ऑब्जर्वर आगे की जो बात है उसको, क्योंकि एक मीडिएटर ऑब्जर्वर हो गया यूएचबी की टीम की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से एलपीसी हो गया, तो वो कम्युनिकेशन वन पॉइंट पे हो पाता है तो थोड़ा स्मूथ हो पाता है, तो इस तरीके से प्रोसेस को बनाने की बात की है, और इसमें यह है कि अगर कुछ इनपुट आपकी तरफ से है इसमें वैल्यू एड करने के लिए तो एक तो उनको रख सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम लोगों ने ये भी करने की कोशिश की है कि कैसे टीम के तौर पर एक प्रोसेस को इवॉल्व करें, तो हम लोग ने भी टीम बना के और भैया की गाइडेंस में उस प्रोसेस को इवॉल्व करने की कोशिश की है, और कैसे टीम में काम कर सकते हैं उसको सीखने समझने का प्रयास किया है, तो इतनी बात है। इसमें दीदी एक तो ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में करवाना चाहते हैं तो कम से कम 30 से 45 दिन पहले तो वो अप्लाई करें, और जो हमारा वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट था उसकी लेटर में वो बात भी लिखी गई है कि ये अपेक्षा है कि अगर आप अपने कॉलेज में करवाना चाहते हैं तो 30 से 45 दिन पहले लिखें ताकि उसकी प्रोसेसिंग में जो टाइम लगना है उसके लिए समझ मिल पाए, तो ये उनके एंड पर है, और इंटरनल जो टीम की बात है तो उसको भी कर सकते हैं, और वो जैसा SLA की बात थी तो वो कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा लाइबिलिटी जो है इंप्रूव ही होगी। ऐसा सेल्फ फाइनेंस में जो भी वर्कशॉप हो रहे हैं तो उसकी लिंक क्या AICT के पोर्टल पे होगी या उस होस्ट इंस्टीट्यूट को भेज जाएगी? हाँ, अभी भैया दो वर्कशॉप हुए भी हैं अभी, तो AICT के पोर्टल पर रजिस्टर होगा, तो AICT के उसमें दिक्कत ये आएगी ना कि जो होस्ट इंस्टीट्यूट है उनके अपने अगर काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं और वो सबको करना है तो होस्ट इंस्टीट्यूट के पास ये चारा नहीं रहेगा कि बाहर के अगर आते हैं। उसमें भी ऐसा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट करेंगे पोर्टल का, बट उसको पब्लिक ओपन फॉर ऑल नहीं करेंगे, तो बैकग्राउंड से दे देंगे कि बेस पे फैकल्टी ऐसा कुछ, मतलब होस्ट इंस्टीट्यूट के पास ये थोड़ा सा चॉइस हो कि जी अपने इंस्टीट्यूट के पहले ही कर ले और अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले फिर बाहर, और जो भी है उसमें अप्रूवल लेटर जाएगा, अप्रूवल लेटर में वो रजिस्ट्रेशन लिंक उन्हीं को जाएगा। हां बस, तो फिर वो अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। दो FDP किए हमने, एक मध्य प्रदेश में किया, सतना में, एक अमृतसर पंजाब में किया, ऐसे ही किया रजिस्टर कराया। हां, लेकिन अभी कोरोना में है 15 से, वो भी ऐसे ही कराया, और चरणजीत भैया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बैकएंड पे जितना काम हो रहा है, मैंने एक्सप्लेन किया है, पर भैया सारे प्रोसेस को देख रहे हैं बैकएंड पे, रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस शीट बनाना, आदित्य भैया के साथ कोऑर्डिनेशन, अटेंडेंस को अपलोड करवाना और बहुत सारी चीजें। और जैसे पहले ऑब्जर्वर का और LPC का जो एक ट्रेनिंग होता था वैसे इस बार भी होगा जी, वो ट्रेनिंग जरूरी भी है भैया, ऐसा ध्यान में आता है तो वो होना भी चाहिए, वो तो होगा भैया, बिल्कुल होगा। वैसे तो भैया ऐसा है ना, कुछ जैसे जो टीम है AICT से जा रही है, एनलिस्टेड है हमारे पास कुछ लोग हैं।